सरकार ने बनारस में एक कुंभ की तरह का आयोजन किया है, कोई योगी आदित्यनाथ वाला आयोजन नहीं है, पूरा शाश्वत आयोजन है। तो मैं सुनील के प्रति जो धन्यवाद दूंगा, इन्होंने परसों हमसे एक तरह से बड़ा कंपल्सिव रिक्वेस्ट किया, किताब हम लोग सोच रहे हैं बनारस में इस विषय को समझा जाए, तो आपको आना है। तो हमने अपनी कठिनाइयां इनको सामने रख दिया, तो इन्होंने जहां पर गोष्ठी होनी थी उस फोरम को हटाकर हमारे आग्रह पर लंका पर लाए, तो हम इनके लिए बहुत आभारी हैं। सुनील ने काफी बातों को स्पष्ट कर दिया, लेकिन 47 साल लगभग नाम पढ़ाने के दौरान हमें ये महसूस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति अत्यधिक सम्मान और उससे उम्मीद रखना एक मिथक। ये दोष वहां के जजेस या उस संस्था का नहीं है। अगर आप भारत के लीगल हिस्ट्री का स्टडी करेंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये विषय उससे बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जितना यहां हमारे मित्र समझ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में वास्तव में जुडिशियल फंक्शन कंपनी के ही कुछ ऑफिसर परफॉर्म करते थे, उनकी कोई जुडिशियल ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती, वो बरतानवी हुकूमत के ही एजेंट थे जिन्होंने आपस में कामों का बंटवारा कर लिया था। इतने लोग जुडिशियल फंक्शन देखेंगे, मुकदमों का निपटारा करेंगे, और इतने लोग बाकी मारपीट का काम, आंदोलनकारियों को कैसे जेल भेजना है, कैसे गोली चलाना है, कैसे लगान वसूलना है, कब्जा करना है, ये सब फंक्शन उसमें बटे थे। लिहाजा न्यायपालिका का जो ओरिजिन या प्रारंभिक जन्म है वो एक उपनिवेशवादी और सामंतशाही से मिली हुई बरतानवी हुकूमत के षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन मैं और जिसका जन्म ही इस प्रकार से हुआ जुडिशियल फंक्शन का, गलती ये हो गई भारतवर्ष में अंग्रेजों के और षड्यंत्र के हम शिकार हो गए। जब उन्होंने न्यायिक कार्य उनको दिया तो एक उन्होंने परिधान निर्धारित किया। आप जानते होंगे अगर पुरानी फिल्मों वगैरह को देखे तो ऊपर एक सफेद रंग का फर का टोपा होता था, नीचे एक एम्बर का चटाई होती थी और एक हथौड़ा लेकर वो ऐसे ऐसे पीटता था। आप बुरा ना माने, हमारे सामने जो लोग हैं या हमारे दाहिने तरफ हैं, तो अंग्रेजों ने जानबूझकर इन अधिकारियों को खुदा का दर्जा दे दिया। चाहे चर्च के लोगों के परिधान को आप देखें, चाहे मंदिर के लोगों के परिधान को आप देखें, बहुत प्रयास नहीं करना है, आदित्यनाथ योगी को देख लीजिए। अगर आपको समझना है महंतों के बारे में या कुछ अरब वगैरह देश के मुसलमान धार्मिक लोगों का परिधान देख लीजिए, उसी तरह का जजेज को जबरन, यहां एक ठो लटकता हुआ बैंड, ऊपर एक टोपा, एक विशेष प्रकार का हथौड़ा, उनको ईश्वरीय दर्जा दिया गया, इसलिए कि ईश्वर की साजिश पर आप बोल नहीं सकते। आप माफ करेंगे जो ईश्वरवादी लोग हैं यहां, चाहे जिस भी धर्म के हो,
आप बोलेंगे तो पिट जाएंगे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे और कोई धर्म हो। लिहाजा जजेज को लोग जबरन योर लॉर्डशिप योर ऑनर, बाद में सुप्रीम कोर्ट में कुछ वामपंथी जज आए, उन्होंने कहा कि नहीं आप केवल सर भी कह सकते हैं, हम लोग ईश्वर नहीं है। तो आप इस सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर को समझिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में मिथक खड़ा किया गया कि ये जज गलती कर नहीं सकते। एक अंग्रेजी में कहावत है कि जजेज आर नॉट इनफेलिबल, दे आर इनफेलिबल बिकॉज दे आर जजेज। जब मैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का मेंबर था तो प्रति महीना हमारे सुप्रीम कोर्ट के हर जज से मुलाकात होती थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेज लाउंज में 4 बजे हर महीना मीटिंग होती थी। हमने 4-5 चीफ जस्टिसेज को देखा और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज को देखा। और बहनों और भाइयों आप विश्वास कीजिए, ये उतने ही कमजोर है जितना हिंदुस्तान का कोई कमजोर से कमजोर नागरिक हो सकता। मैं उनके दुर्गुणों का बखान नहीं कर सकता। जस्टिस ई एस वेंकट रमैया की जब फेयरवेल पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर जजेज रात में नाइट क्लब्स में आपको मिलेंगे, दे डोंट स्टडी एंड डू हार्ड वर्क। ये जस्टिस ई एस वेंकट रमैया का हिंदू में छपा हुआ बयान है। तो सवाल ये है कि आप दुखी हो रहे हैं अपने ही द्वारा किए गए पाप पर। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेज को एक बरतानवी साजिश के अंतर्गत इतना महान और ईश्वरीय समझ लिया और आज जब उनका खुलासा होने लगा है धीरे धीरे तो लोग परेशान हैं। तो इसको हमें अपने मन को ठीक से स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये है क्या। जुडिशियरी इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंटेम्प्ट के भय से वकील साहब भी हैं यहां, आप कहिए तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये सब अभी चाहे तो हमें बंद करवा दें दिल्ली से फोन करके। और मैं 2 बार जेल जाते जाते दिल्ली में बचा। एक बार जस्टिस हिदायतुल्लाह थे उस कॉन्फ्रेंस में और एक बार कोई और दक्षिण पंथी जज थे। एक सेमिनार हो रहा था उसमें यूएसएसआर कंबाइन था, उसके चीफ जस्टिस भी आए थे, इंदिरा जी भी उसमें प्रेजेंट थी। उस सेमिनार का नाम था डायनामिक्स ऑफ सोशलिस्ट जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया। उन्हीं दिनों प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी की एक किताब आ गई थी 1982 में, उस किताब का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। काफी तहलका उस समय कि सुप्रीम कोर्ट को विभाजन अगर आप देखते तो इंदिरा जी के आगे पीछे भारतीय उच्चतम न्यायालय बिल्कुल लेफ्ट राइट और सेंटर में डिवाइडेड थे। मैं आपको नाम दे सकता हूं, जस्टिस ई एस वेंकट रमैया, जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस डी ए देसाई, जस्टिस पी एन भगवती जो लेफ्ट टू द सेंटर थे, थोड़ा सा बहुगुणा जी के अगर शब्दों का इस्तेमाल करें राजनीतिक फ्रेज का। दूसरी तरफ इनके चाचा दीपक मिश्रा के रंगनाथ मिश्रा, तुलजापुरकर, ढेर से जजेस थे जो घोर दक्षिणपंथी थे। और सबसे अच्छे वो लोग होते हैं जो जुलूस में बीच में रहते हैं। जब जुलूस पर हमला होता है तो भाग जाते हैं और जुलूस सफलता की तरफ होता है तो आगे हो जाते हैं। ये मैं
और ये मैंने बीएचयू के प्रोफेसर से सीखा कि अगर वाइस चांसलर की आफत आवे तो भाग जाओ और जब तक वो हेल्दी रहे उसी की दलाली करो। ये बीएचयू में सफलता का एक मंत्र हमने करीब 52 साल के छात्र जीवन से लेके अध्यापक वही काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज भी करता है। सुनील ने इसको ठीक से बताया, हमारा जो विद्यार्थी पीसीएसजे का एग्जाम देता है वो अपने जिंदगी के अंतिम दिनों तक मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट जज हो पाता है। जो नौकरी मुंसिफ जो कंपटीशन से आता है और प्रांतीय सरकारों के रिकमेंडेशन पर उनके पार्टी के वकील सीधे हाईकोर्ट चले जाते हैं और हाईकोर्ट जब चले गए तो वहां से कॉलेजियम जो सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट ने जबरन फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता का केस विवाह से ज्यादा उसकी याददाश्त है, हमारी उम्र तो अब याददाश्त विहीन हो जाने वाली उम्र हो चली, पहला केस फर्स्ट जजेस केस आया वहां से कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया भारत में। और देखिए आज चाहे हम जितना नाराज हो लेकिन ये दुष्कर्म शुरू किया इंदिरा गांधी ने, जब पहली बार उन्होंने जस्टिस सेलर जस्टिस एच एस खन्ना जस्टिस ग्रोवर को हटाकर एन रे को सीधे तीन जजेस को लांग कर चीफ जस्टिस बना दिया क्योंकि उनका तर्क था कमिटेड जुडिशियरी। तो अगर आज भाजपा कमिटेड जुडिशियरी जा रही है शाखा लगाने वाली तो इसका सूत्रपात तो 1973 में ही इस मुल्क में हो चुका था क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट की कोई परंपरा नहीं। अब आज देखिए रोहिंगटन नरीमन फली एस नरीमन का बेटा, डी वाई चंद्रचूड वाई बी चंद्रचूड का बेटा जिसने एडीएम जबलपुर केस में कहा कि इमरजेंसी में मुल्क के किसी नागरिक का कोई मौलिक अधिकार होता ही नहीं, इसी का बाप ये कह के गया जो आज सुप्रीम कोर्ट का जज है। ये सब कॉलेजियम सिस्टम से जैसे फिल्मों में जो सुनील कह रहा था कि खानदानियत चलती है कि बाप अगर राज कपूर एक्टर है तो बेटा होगा ही, इवन अमिताभ बच्चन का पुत्र जो एक्टिंग कुछ नहीं जानता वो भी कहा जाता है अभिनेता, ये उनका पेशेवर खानदानी मामला है। जैसे खतरा खतौनी में वरासत दर्ज होता है उसी प्रकार इनकी विद्वता की एक जुडिशियल खतौनी होती है जिसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में घुसते हैं। एक बात मैं एक विद्यार्थी के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग को एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है कि राज्य के तीन अंग होते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल। ये बताइए कि अगर आपका पूरा शरीर गोरा है तो क्या केवल हाथ काला होगा, ये संभव है? अगर काला होगा आप स्किन डॉक्टर के यहां जाएंगे कि डॉक्टर अभी तो बड़ा गड़बड़ हो गया, शादी ना हुई ब्याह ना हुई का हुई तिलक न मिली पूरा कुछ बड़ा गड़बड़ हो गए। अगर स्टेट स्ट्रक्चर पूंजीवादी है तो यह मैं कोई हार्श वर्ड नहीं यूज करना चाहता, यह कोई अज्ञानी व्यक्ति ही सोच सकता है कि न्यायपालिका जनवादी हो। इस बात को आप समझिए, यह न्यायपालिका का दोष नहीं है, जिस शरीर का वो अंग है वो शरीर ही सामंती और पूंजीवादी है। इसलिए जब बालकों का पहला केस आया, जब विनिवेशीकरण की प्रक्रिया मनमोहन सिंह ने प्रारंभ किया या नरसिम्हा राव ने प्रारंभ किया तो सुप्रीम कोर्ट ने खटाक से कह दिया कि यह
गैर संवैधानिक नहीं है और बालको प्राइवेट हाथ में चली गई। वही भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में पहला केस है जहां से प्राइवेटाइजेशन की दलाल सुप्रीम कोर्ट हो गई। क्यों हो गई? आप इसको ऐसे सोचिए, इट इज पॉलिटिक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नरोदा पाटिया के केस में उस समय का चीफ जस्टिस उस बेंच में था जहां 3,500 मुसलमान भाइयों का कत्लेआम किया गया, फूंक दिया गया, बच्चों को पेट में बल्लम से मार के निकाल के फूंक दिया गया, एक एरिया को घेर कर जला दिया गया। वहां का होम मिनिस्टर यही अमित शाह था। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो चीफ जस्टिस सदाशिवम था, उसने अमित शाह को बरी कर दिया और रिटायरमेंट के बाद वो गवर्नर हो गया। तो दीपक मिश्रा क्यों ना गवर्नर बने? इसमें देखिए ना तो कुछ ऐतिहासिक है ना कुछ आश्चर्यजनक है, ये होता रहा है। आखिर ये बुद्धे रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे? मेरा एक क्लास फेलो एक ही सेक्शन में थे हम लोग, सेक्शन ए में, वो आजकल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन है। एक शादी में आया था परसाल, हमारे एक कलीग की बेटी की शादी थी। वो कम से कम मेरा 2,000-4,000 समोसा और 2,000-4,000 कप चाय पी गया होगा मंदिर पर जाके। वो शुरू से ही बहुत चालू था, मैं समझ नहीं पाया कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। हमने उसको बुलाया, हमने कहा यार आजकल क्या कर रहे हो? कहा कि मैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन हूं। तुम आओ हमारे यहाँ, हेलीकॉप्टर है, कैबिनेट रैंक है, कार है, बड़ा बंगला है, हम तुमको हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे। हमने कहा नहीं, बाईपास के बाद डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत बेहिसाब हिलता है और मैं इसमें कोई रुचि नहीं है। उसने हमसे कहा मैं एक प्राइवेट डिस्कशन को डाइवर्ज कर रहा हूं कि हमको मोदी जी ने बुलाया और कहा कि 1950 से जिस विवाद का निपटारा नहीं हो पाया है आपको पूरी कैबिनेट रैंक की सुविधा रहेगी, मैं आपको चेयरमैन इसलिए नियुक्त कर रहा हूं कि आप भी कभी इसका निपटारा नहीं करेंगे। अगर निपटारा कर देंगे तो मद्रास या तमिलनाडु और कर्नाटक में दंगा शुरू हो जाएगा। तो आपकी विद्वता का उपयोग एक सरकार के दलाल के रूप में बैठकर इस विवाद का निपटारा न करने की सैलरी आपको और सारी सुविधाएं आपको दी जा रही है। ये बात आज की नहीं है, इसलिए मैंने एक छोटा सा टाइटल किया था पॉलिटिक्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 1950 में जमींदारी एबॉलिशन जब पंडित नेहरू ने किया तो सुब्बाराव एक दक्षिण पंथी जज था सुप्रीम कोर्ट का, उसने जमींदारी एबॉलिशन एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ये बात रूजवेल्ट के समय में भी अमेरिका में हुई थी और रूजवेल्ट जाके चीफ जस्टिस जेफरसन से मिले थे यूएस सुप्रीम कोर्ट के कि हमको गरीबों के मजलूमों के हित में नई आर्थिक नीतियों को लागू करने दीजिए, क्योंकि वो जज बहुत कठिन था। उसके घर जाकर मिला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कहा कि आप देश को चलाने दीजिए हमको, ये पॉलिटिक्स केवल भारत की नहीं है। फिर नेहरू लोकसभा में ले जाकर नए एक्ट में जमींदारी एबॉलिशन को लागू किया, उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक घोषित कर दिया दक्षिणपंथी जज ने, आरसी कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये लगातार ये काम करते रहे। इंदिरा जी के दौर के आगे पीछे कुछ वामपंथी जज आ गए सुप्रीम कोर्ट में, बहुत पढ़े लिखे, उसमें सर्वोच्च स्थान मैं दूंगा जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर का, वैसे शुरू में पी बी गजेंद्र गटकर, ये लोग भी सामाजिक न्याय के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में, पातंजलि शास्त्री, जस्टिस सीकरी शुरू में,
जब सुप्रीम कोर्ट 1950 में गठित हुई, तो इसमें पॉलिटिक्स होती है। और पॉलिटिक्स कैसे होती है? बेंच के गठन में। अगर आप कभी सुप्रीम कोर्ट जाए, मैं तो चाहूंगा कि ना जाना पड़े, क्योंकि अगर आप सीनियर एडवोकेट नहीं करते हैं तो बेंच का जज आपकी फाइल एक मिनट ऐसे देख के लुका देता है और कहता है रिट इज डिसमिस। आप जानते हो, अगर सीनियर एडवोकेट आप करें तो 5,00,000 रुपया उसका सिक्योरिटी पहले जमा करा लेता है, तब आपको अपॉइंटमेंट देता है। एक अरुणाचल का मणिपुर का गरीब, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 कहती है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर यह अपने आप में एक मौलिक अधिकार है कि आप उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे जा सकते हैं। ये बताइए कि मणिपुर अरुणाचल के उस गरीब के पास रेलवे की टिकट का पैसा नहीं है और वो 5,00,000 रुपया सीनियर एडवोकेट को कहां से देगा, दिल्ली में कहां रुकेगा? इसलिए ये संवैधानिक अनुच्छेद मात्र छलावा, ये केवल अमीरों के फायदे के लिए पूरा का पूरा आर्टिकल 19 ये अमीरों के अधिकारों का की रक्षा करती है। तो ये सब मिला जुला गेम है सत्ता का, संविधान निर्माताओं का, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भी गरीबों का, स्त्रियों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान को तय किया था ज्यादातर, आप वहां से उठाकर इतिहास को देख सकते हैं। रोस्टर की कहानी यह थी कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाए, पहले आज से 20-15 साल पहले, तो वकील कहता था कि यह बेंच बहुत दुष्ट है, ये रुक जाइए आप एक हफ्ता, ये बेंच बदलने दीजिए। ये शायद हाईकोर्ट में भी वकील साहब लोग वकीलों को राय देते हैं कि बड़ा बदमाश हो, एक हफ्ता रुका नहीं तो खारिज कर दे। यही से शुरू होता था। बाद में हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कंप्यूटर को ये काम दिया गया। अब आज सुप्रीम कोर्ट में 45 हेडिंग है जिनमें मुकदमों को चीफ जस्टिस बांटता है और बेंच का रोस्टरिंग होता है कि कितनी बेंच होंगी, कौन सा मुकदमा कहां जाएगा, ये कंप्यूटर अपने आप सॉफ्टवेयर से उस केस को भेज देता है। दीपक मिश्रा ने केवल विद्वता ये दिखाया। दीपक मिश्रा को अगर समझना हो तो पहले केस में उन्होंने कहा कि जनगण मन जो नहीं गाएगा वो भी सिनेमा हॉल में, जहां एक तरफ गाना चल रहा है चोरी के पीछे क्या है, उसी गाने के साथ आप खड़ा होकर जनगण मन गाएंगे तो आप चोरी के पीछे वाले राष्ट्रभक्त कहे जाएंगे। ये दीपक मिश्रा का फैसला था। जब रविशंकर प्रसाद ने हलफनामा दे दिया कि नहीं ये जरूरी नहीं है फिल्मों फिल्म हॉल में या सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान गाना, तो ये पलट गया। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये है कि तुम एक घृणित किस्म के सत्ता के दलाल हो, भले ही वो कंटेम्प्ट कर दे, जेल भेज दे, इस उम्र में क्या है, क्योंकि ऐसे भी रोटी दाल ही खाना है डॉक्टरों के अनुसार, उतना तो सुनते हैं कि पानी की दाल और रोटी वहां भी मिलती ही है। तो आप दीपक मिश्रा को किसी इस बस इसी मुकदमे से समझिए। दूसरी बात क्या हुई कि जब बरतानवी हुकूमत के साथ एक चार्टर साइन हुआ भारत के नेताओं का, तो उस चार्टर में यह लिखा था कि ये कहीं कॉज ऑफ एक्शन पे मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में नहीं चलेगा।
जस्टिस लोया के मौत की जांच एसआईटी से करवाने की रिट ऑलरेडी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, उसमें भी बॉम्बे हाईकोर्ट की जज तारीख नहीं डाल रहे थे, तो काफी झगड़ा करके बॉम्बे हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने तारीख डलवाया। जब तारीख पड़ गई तो आरएसएस वालों ने एक आदमी को खड़ा करके एक रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर करा दिया। क्यों दायर कराया? क्योंकि उनको पता था कि अभी 7-8 महीने दीपक मिश्रा जो हमारा एजेंट है वो चीफ जस्टिस रहेगा। मैं बहुत दूर आपको नहीं ले जाना चाहता, मेरे यहां एक फंक्शन था, विभा भी जरूर शामिल रही होगी, अरुण मिश्रा आया है सुप्रीम कोर्ट का जज, जो कोर्ट नंबर 10 में है, जहां दीपक मिश्रा ने जबरन रोस्टर की परंपरा को भंग करके केस को लगाया जब रिट फाइल की। उस समय मुकदमा चल रहा था ट्रिपल तलाक का, उसमें मुस्लिम महिलाओं ने, कुछ महिलाओं ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी मांग उठा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम अभी केवल ट्रिपल तलाक पर फैसला देंगे, वो मामला पेंडिंग है। जब अगले दिन मैंने अखबार उठाया, मुझे ये मालूम था कि अरुण मिश्रा आया है लेक्चर देने, और आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूर्ण रूप में उसका भगवाकरण हो गया, एक अधम किस्म का कुलपति आ गया था अनपढ़, पता नहीं किसके पुण्य प्रताप से गया, लड़कियों के आंदोलन से गया। इस माने में विश्वविद्यालय की महिलाओं को सलाम करना चाहिए। तो हमने अखबार में हेडिंग देखा, जब केस लिस्ट पेंडेंट है कलाम का, मुकदमा तुम्हारे पास है, और उसने बयान यहां उत्पात के नेताओं की तरफ भाषण दिया। हमारे समय में एक यहां सुनील पता नहीं जानता है कि एक सिंह शिवाधार सिंह होते थे, वो रोज शाम को 4 बजे मजूमदार वगैरह टेबुल कुर्सी दे देते थे, वो 5-6 घंटा भाषण करते थे, और वो अमेरिका के राष्ट्रपति को गाली देते हुए ग्राम सभा तक उनका लेक्चर चलता था। उस तरह का भाषण अरुण मिश्रा ने दे दिया कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को तत्काल लागू कर देना चाहिए। हमने अगले दिन पूछा लोगों से, आयोजकों से, कि भाई आप क्यों इस संस्था के गौरवशाली इतिहास को भ्रष्ट कर रहे हैं, आप एक भगवाकरण पूरे लॉ फैकल्टी का कर रहे हैं, लेकिन इस समय सब हमको खारिज कर दिए हैं, वहां तो कोई बहुत बात चलती नहीं है, शरीर से भी खारिज हूं और पदे भी तो 3 साल पहले ही खारिज हो गया। तो मेरा आपसे यहां जो बहन भाई है ये निवेदन है कि ये जस्टी चलमेश्वर रंजन गोगोई या जो इनके दो और साथी बैठ गए वहां, इन्होंने कोई ऐतिहासिक, केवल आश्चर्यजनक एक काम किया कि अभी तक भारत में जुडिशियल हिस्ट्री में जजेस ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। इसका मूल्यांकन इतिहास करेगा, लेकिन किस बात पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? ये सत्ता के आंतरिक बंटवारे का झगड़ा था, इससे ज्यादा इसका देश में कोई राजनीतिक ना तो कोई क्रांति होने जा रही है। जो लोग मानवता के इतिहास पढ़ते हुए क्रांतियों का इतिहास पढ़ेंगे उनसे मेरा आग्रह है कि विश्व में कहीं भी कोई क्रांति न्यायपालिका ने नहीं किया। आप क्यों इस भ्रम में पाप पड़े हैं? कुछ लोग कहते हैं क्रांतिकारी प्रयास है, ये चलमेश्वर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत बड़ा टीका लगाता है पहले सुबह पूजा उजा करने के बाद, प्रयास साल हमारे कॉलेज में आया था,
बड़ा नाटक किया उसमें, केस था उसमें, कुछ अन्य बातें भी की गई राधारे जिसकी मैं चर्चा जेल जाने के भय के कारण नहीं कर सकता। तो मैं इन लोगों के बहुत करीब रहा हूं 3 साल। एक मैं उदाहरण दे दूं, प्रोफेसर मुखर्जी, हम कन्वोकेशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बुलाए थे, अब वो जीवित नहीं है, जस्टिस वाई एस अग्रवाल। पहले उन्होंने हमें झगड़ा कहा कि हमें एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफ केयर दो, हमने कहा कि साहब मेरे संस्थापक ने भिक्षापन भिक्षाटन से विश्वविद्यालय का निर्माण किया है, आप 1 घंटे की फ्लाइट है, इकोनॉमी क्लास में आ जाइए। बहुत समझाने बुझाने के बाद वो आए। आने के बाद प्रोफेसर रामचंद्र राव वाइस चांसलर थे, मैंने सेंट्रल ऑफिस की दिक्कत हो रही थी पैसा निकालने में, एफओ के यहां मैंने अपने पास से टिकट आना जाना दोनों खरीद लिया। मैंने उससे केवल एक लाइन का लेटर टाइप किया कि सर आप लिख दीजिए कि मैंने इतना नकद प्राप्त किया। उसने कहा कि मैंने नकद तो नहीं प्राप्त किया, मैंने कहा कि सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत ये बेरर चेक है, हमने आपको कैश दे दिया है, आपने क्यों नहीं प्राप्त किया एयर टिकट इस कैश का, नहीं हम नहीं साइन करेंगे। बाद में अगले महीने जब हम दिल्ली मीटिंग में गए तो पता चला ना कि यहां से भी किराया ले लिया और सुप्रीम कोर्ट से भी ले लिया। तो ये जो देश में हमारे बहन भाई ये सब उतना ही कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं जितना वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज के कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, उनको भी हर फंक्शन में मान्यवर कहा जाता है जबकि वो मान्यवर कदापि नहीं। उसी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी कहा जाता है। आप प्रसाद मेडिकल ट्रस्ट का केस जानते हैं, दीपक मिश्रा को घूस देने के लिए उड़ीसा का रिटायर्ड जज कुद्दूसी 2 करोड़ रुपया लेकर जा रहा था, सीबीआई ने छापा मारकर उसको पकड़ दिया। प्रशांत भूषण ने केवल इतना कहा कि सर एक लॉ का एलएलबी फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया जाता है कि नो वन शुड बी जज इन हिज ओन कॉज, आप इस बेंच से हट जाइए क्योंकि एफआईआर में आप भी संदिग्ध लोगों में। इसी पर लगा कि दीपक मिश्रा मारा पीटी कर लेगा और इतना बदजबान आदमी कि उसने प्रशांत भूषण को कहा कि हम तुमको जेल भेज देंगे। तब प्रशांत भूषण कोर्ट से बाहर वॉकआउट करके या बायकॉट करके निकल आए। मैं ये चाहता हूं कि कलेजियम सिस्टम को एबॉलिश करके एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बने और देश के पैमाने पर एक जुडिशियल कमीशन की अलग ऑफिस खुले और उसमें बाकायदे मतदाताओं से राय लेकर एक लंबी लिस्ट तैयार हो, देश के लॉ के विद्वानों से, विद्यार्थियों से, स्टेक होल्डर से, वकीलों से कि कौन से जज को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए जिसकी श्रद्धा और प्रतिबद्धता न्याय के प्रति समाज के अन्य वर्गों के प्रति है। एक लंबी लिस्ट का निर्माण होना चाहिए देश में और उस लिस्ट में से जैसे बाकी जगह सुनील कह रहा था कि उनके योग्यता की परख होनी चाहिए कि वो लॉ जानता भी है कि नहीं, उसका बाकायदे लंबा साक्षात्कार होना चाहिए जैसे अमेरिकन सीनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बाकायदे लंबा लंबा इंटरव्यू होता है। तो कलेजियम सिस्टम जो कुनबा परस्ती का एक चंडू खाना या अड्डा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा निर्मित, उसको समाप्त किया जाए। दूसरी तरफ चूंकि देश भयानक सांप्रदायिक विभाजन की तरफ बढ़ रहा है, गरीबों के खिलाफ राज्य सत्ता जा रही है, मजलूमों के मजदूरों के खिलाफ जा रही है, विद्यार्थियों के खिलाफ जा रही है, इसलिए नेशनल जुडिशियल कमीशन में राज्य सत्ता का भी भागीदारी नहीं होना चाहिए। यही एक रास्ता है। अगर ये रास्ता
लेकिन ये रास्ता ये सरकार नहीं अपनाएगी, क्योंकि जजेस के माध्यम से इनको भी अपने बाल बच्चों को भेजना है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। लिहाजा मित्रों, ये मामला ना तो ऐतिहासिक है, थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। हमारे कॉलोनी में एक प्रोफेसर है जो एक घंटा दरवाजा खटखटाइए तो बाहर निकलते हैं, नाम हम नहीं लेंगे, काफी बुजुर्ग है। तो जब किसी दिन वो बाहर दो चार महीने में दिखाई पड़ते हैं लुंगी पहने हुए, तो हमारे बगल वाले प्रोफेसर कहते हैं कि यार एसपी, ये तो बड़ी आश्चर्य हो गया है कि गुप्ता जी बाहर आ गए लुंगी पहन के। कॉलोनी में चर्चा हो जाती क्या होने वाला है यार। तो उसी तरह ये दरबा में रहकर कंबल ओढ़कर घी पीने वाले जज देश में पहली बार, तो बनारसी भाषा में बदरी कर जरा खौरा के, ये हमार कहना नहीं मानत हो, है वो निकल आए घबराहट। और वास्तव में 10 बजे तो सब बैठे ही थी कोर्ट, मिले चीफ जस्टिस से, इतना गुस्सा आ गया सबों को कि 11 बजे सब कोर्ट छोड़कर उठकर अपनी ड्यूटी छोड़कर, आप ये काम शाम को 4 बजे के बाद भी कर सकते थे, ये लोग अपने कर्तव्य के प्रति भी वफादार नहीं है, रनिंग कोर्ट को छोड़कर आके चलमेश्वर के घर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक घटना कल से और हो रही है, एक आरएसएस का काडर है मन्नन कुमार मिश्र, एक साल के लिए बार काउंसिल का चुनाव होता है, 5 साल से जमा, बिहार का है, काफी समझदार आदमी है, वो सोचता है चुनाव बेकार में धन जन की हानि होती है, हम हटेंगे। वो 7-8 लोगों को कार में लेकर जजेज के घर घर घूम रहा है कि मिल बांट कर सर खाया जाए, झगड़ा बाहर नहीं आना चाहिए। और कुछ और लोग कूद गए हैं इसमें, एक बहुत बड़े विद्वान है संबित पात्रा, जो कहने को डॉक्टर है लेकिन ONGC के डायरेक्टर बना दिए गए, और साजिया इल्मी कहने को पत्रकार थी, वो इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की डायरेक्टर। तो जब राज्य सत्ता इस प्रकार से काम करेगी तो ये सब चीजें होगी। हम आप सभी मित्रों का काम है कि सब लोगों को इकट्ठा करके मजबूती के साथ देश के जो गंभीर मसाइल है उस पर जात पात धर्म से हटकर एक एकता कायम करें और संघर्ष का बिगुल बजे। बनारस एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है, यहाँ के अखबार वाले अब तो काफी समझदार हो गए हैं वैसे अखबार, लेकिन विज्ञापन में उनका ज्यादा समय इकट्ठा करने में जा रहा है, सुरेश जी माफ करिएगा हमको, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना कितना कठिन काम है। अगर आप सत्ता के हिसाब से बड़े आदमी नहीं है तो अखबार वाले आपका इश्यू चाहे जितना गंभीर हो पूछते नहीं आपको। तो मैं अंतिम रूप में फिडेल कैस्ट्रो पर जब मुकदमा चला, पहली क्रांति विफल हो गई, 157 सैनिकों को लेकर उन्होंने 32 तानाशाह के खिलाफ विद्रोह किया था, फिडेल कैस्ट्रो एलएलबी पास थे, क्यूबन सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि तुमको वकील नहीं दिया जाएगा, फिडेल को पता था कि इसमें सजाए मौत तक की सजा है राष्ट्रद्रोह में, कोर्ट ने कहा कि तुम खुद ही केस आर्ग्यू कर। तो फिडेल ने जो अपना मुकदमे का बहस किया, बहनों और भाइयों, वो 7 भाषाओं में एक किताब में छपी है, उस किताब का नाम है हिस्ट्री विल एब्जॉल्व। तो आज भारतवर्ष के समझदार लोग, राजनीतिक चेतना के लोग, नौजवान, गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, किसान, मजदूर अगर एक होकर एक मोर्चा कायम करके अगर लड़ाई नहीं लड़ेगा तो मैं उस किताब का नाम उल्टा करके पढ़ना चाहूंगा, शायद तब तक मैं रहूं ना आप लोग के बीच में, मैं उस किताब का नाम लिख दूंगा हिस्ट्री विल नॉट एब्जॉल्व, इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। आज आपको चीजें बड़ी हल्की लग रही हैं, आप कोई धार्मिक नारा बोलकर जुट जा रहे हैं,
आप एक अपने ही भाई को गाय के नाम पर कत्ल करके बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन चार ही पांच छह साल बाद आप देखिएगा कि इस समाज का भविष्य कितना लड़खड़ा रहा है, कितना अराजक हो गया, कितना सांप्रदायिक हो गया। लिहाजा मैं चिरम के मुंह से ये बात सुनकर खुश नहीं हुआ कि प्रजातंत्र खतरे में। किसी भी मुल्क के डेमोक्रेसी को न्यायपालिका नहीं बचाती, अगर बचेगी तो यहाँ के संघर्षशील नौजवान, बुजुर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग, प्रतिबद्ध लोग अगर इकट्ठा होकर एक बिगुल नहीं बजाएंगे तो ये बात तय है कि समाज तो चला ही जाएगा। हम दूर खड़े होकर जैसे जर्मनी का वो पादरी कवि नीलोमर कहता था कि जब वो कम्युनिस्टों को मारने आए तो मैंने सोचा कि मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं, मैं क्यों जाऊं। जब वो ट्रेड यूनियन के लोगों को मारने आए तो मैंने सोचा मैं तो मजदूर संघ का आंदोलन नहीं करता हूं, मैं क्यों जाऊं। जब वो यहूदियों को मारने आए तो मैंने सोचा मैं तो यहूदी नहीं हूं, ईसाई हूं। और जब वो हमें मारने आए तो हमारी तरफ से कोई खड़ा होने वाला जिंदा ही नहीं। तो मैं उस कवि को याद कर रहा हूं और हमारा आपसे आग्रह है, हम जैसा सुनील ने कहा कि चंदा देने वाली क्षमता अब हमारी बढ़ गई, क्योंकि सब बाल बच्चे निकल गए, दूर दराज दो ही आदमी हैं और दोनों की पेंशन भी महीने में काफी बच जा रही है, तो वो कर्ज तुम उतारने की कोशिश मत करो, चाहो तो तुम विजय माल्या की तरह लेके पलायन भी हो सकते हो, क्योंकि बहुत से नेता पलायन हो चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हम विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं, हम आप सभी लोगों के साथ तन काट के मन और धन से पूरी तरह रहेंगे, बोलने चालने की जहां जरूरत पड़ेगी आपके संग खड़े रहेंगे। अब इस उम्र में किसी का भय वगैरह है नहीं, हम चाहते हैं कि सुनील की ये मुहिम इस ऐतिहासिक शहर में, ऐतिहासिक शहर माने मंदिरों के कारण नहीं, जोगिया कपड़ों के कारण नहीं, बौद्धिक विमर्श और संघर्ष की ऐतिहासिकता के संदर्भ में हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि आइए एकजुट हुआ जाए और इस देश के भविष्य को बचाया जाए। ये चारे जज आज ही शाम और कल तक फिर समझौता करके कंबल ओढ़ के घी एक साथ पीने लगेंगे। न ये ऐतिहासिक बात है, न कोई क्रांतिकारी बात है, न इससे कोई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन देश में होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एमपी सिंह जी।